महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कई परिसर हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। कुछ ऐसे ही समस्याओं के चलते नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नागपुर से संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय बड़ी मात्रा में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। दरअसल नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले कलमना, विजयनगर, धर्मनगर, नवकन्यानगर आदि क्षेत्रों में सड़क की असुविधा के साथ साथ उचित ढंग से सीवेज लाइन, पानी की आपूर्ति आदि सुविधाएं भी मुहैया नहीं की जा रही है। बारिश के चलते गंदगी के कारण फैले डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा चलता रहा तो हमारा क्या होगा, ऐसा सवालिया निशान स्थानीय नागरिकों ने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया। इस वक्त स्थानीय जनता ने मांग की कि हमारे क्षेत्र की समस्या का निराकरण किया जाए, अन्यथा हम बड़ी मात्रा में आंदोलन करेंगे। हम लोग धर्मनगर विजयनगर से आए हुए हैं, नागपुर कलमना मार्केट से। हमारा मेन मुद्दा है रोड का समस्या, पानी का समस्या, गटर का समस्या। हमारे बस्ती में डेंगू फैल चुका है जिसमें से 4 लोगों को अभी तक की जान चले गए हैं, और कितनी जान जाने वाले इसका कोई गारंटी नहीं। बहुत से लोग वहाँ समस्या में बीमार पड़ा हुआ है, कम से कम 100 से 150 लोग अभी डेंगू के शिकार हैं। और हमारी समस्या ये है कि वहाँ पे जमा पानी भरा हुआ है, और रोड की समस्या इतना है चलने के लायक नहीं है। रोड गड्ढे, आने जाने वाले स्कूल के बच्चों की बहुत समस्या पैदा हो रहा है, और गटर की समस्या जो हर समय गटर की वजह से रहने की इच्छा ही नहीं हो रहा है। आज 25 साल हो गया बस्ती बसा हुआ। कृष्णा जी खोपड़े हैं आमदार, जो 15 साल से विजयनगर का विकास परिषद करते करते 15 साल से कुछ भी विकास नहीं हुआ है। नितिन जी गडकरी जो आश्वासन दिया हुआ है सर, आज तक के बस्ती में जाके देखे हालत क्या है, किस हालत में हम लोग गुजर रहे हैं। और हमारे नगर सेवक जो है, नगर सेवक बोलते 6 साल हो गए, 5 साल तो बीत गया है, अभी पूर्व नगर सेवक है। आश्वासन में सिर्फ पानी मिलेगा, नल मिलेगा, गडर मिलेगा, रोड मिलेगा। गडर ऐसी है तो भरा हुआ है, रोड ऐसी है तो रोड में चलने के लायक नहीं हो रहा है। इस समस्या में हम लोग जूझ रहे हैं, इसलिए हम लोग संविधान चौक में आज धरना प्रदर्शन किया है कि हमारा समस्या कम से कम पानी का, नल का, गडर का और रोड की समस्या सबसे बड़ी बात है। चलते बच्चे, बुजुर्ग रहा है, महिला रहा है, गिरने के डर रहता है। रास्ता इतना खड्डा हो गया है कि चलने के लायक नहीं है। महानगर पालिका को ये समस्या देने के लिए आए हैं कि हमारे जल्द से जल्द रोड की समस्या हल करे, गटर पानी की समस्या हल करे। और 25 साल से जो हम लोग है, आज तक के तो हुआ नहीं है, पर जल्द से जल्द अभी करें। 2023 में समस्या हल हो जाएगा तो 2024 में कुछ करेंगे। आज दो आश्वासन दे देके ही महानगर पालिका भी बैठा हुआ है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।